तो जब आप बात करते हैं महिलाओं पर अत्याचार की, आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, आपने 50% का आंकड़ा दिया, कहा कि 50% जो है घूस जा रही है, ये आपने आरोप लगाया। इससे मुझे कर्नाटक की याद आई, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह का 40% का आरोप लगाया था, और वहीं कर्नाटक में बीजेपी ने, कांग्रेस पार्टी ने कुछ गारंटियाँ दी थी, 5 गारंटियाँ दी थी। अब वही जो मॉडल है कर्नाटक का, वो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में तो लागू कर ही रही है। आपने बात की कि ये सब महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, लेकिन वो तो महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं, उनका दावा है कि महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं, LPG का सिलेंडर वहाँ पर 500 रुपये में दे रहे हैं, और इसके साथ साथ मुफ्त बिजली होगी, ये भी उन्होंने वादा किया है। देखिए, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जिन मुद्दों के आधार पर आप चुन के आए, चुनने के बाद पहले दिन से आप उस मैनिफेस्टो के आधार पर काम करना शुरू करो। होता क्या है कि 4.5 वर्ष सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में और भ्रष्टाचार करने में 4.5 साल निकल जाते हैं, और अंतिम 6 महीनों में जब इन्हीं के कुनबे में बात उठती है कि हम किस मुँह से जनता के बीच में जाएंगे, हमें पब्लिक माफ़ नहीं करेगी, इन्हीं के विधायक मंत्री खुलेआम कहते हैं, तब इस प्रकार का एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। आप सिलेंडर दे रहे हैं, आप 500 रुपये में दे रहे हैं, उसका आधा पैसा कौन दे रहा है? और ये योजना आप, अच्छा होता कि मुख्यमंत्री बनते ही आप शुरू करते, 10,000 का बिजली का बिल माफ बीजेपी की सरकार में था, आपने आते ही वो शुरू कर दिया। स्टेट टोल बीजेपी के राज में माफ थे, आपने आते ही शुरू कर दिए। आपने सरकार में आने के बाद, अच्छा होता बिजली के बारे में जो कहा कि हम 5 वर्ष तक पैसा नहीं बढ़ाएंगे, आपने 18 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, और अब आप कह रहे हो हम मुफ्त में बिजली देंगे, आप जब 10 घंटे बिजली नहीं आ रही है, बिजली के बिल में करंट है, तारों में करंट नहीं है। तो इसलिए पिछली बार भी इस प्रकार का एक प्रयास किया गया, अंतिम दिनों में तो उसका हश्र यह रहा कि 21 सीटें आई थी, और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है। और आपने राहत कैंप में क्या किया? आपके पास लिस्ट है, अगर आपको जनता को मदद करनी है तो आप सीधे उसके अकाउंट में, उनके अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर करते? आप कहा कि आप जो इस कैंप में आएगा उसी को उसका फायदा मिलेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को देखिए कि बैंक पहली बार गांव में जाकर बैंक में खाता खुलाकर लेके आए, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन हो, आज प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय हो, उस व्यक्ति को अपने लाभ के पैसे के लिए किसी सरकारी मुलाजिम के पास नहीं जाना पड़ता, उसके खाते में सीधा पैसा आता है।